भारत में कृषि को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं, मुंबई, दिल्ली, बिहार या फिर पंजाब। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का मुख्यालय किस शहर में है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है दिल्ली। अब जानते हैं ICAR से जुड़ी सारी जानकारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR भारत सरकार के अधीन एक संगठन है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में भी है। यह परिषद देश में बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित देश के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन को और शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में हरित क्रांति लाने के बाद अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास से देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई है। ICAR की पहल पर ही साल 1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के अंतर्गत पुंडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में लगभग 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ICAR ने पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन और नवीन तकनीकों के उपयोग के माध्यम से कृषि को टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी वजह से अनाज की पैदावार में 4 गुना इजाफा हुआ, बागवानी फसलों की उपज 6 गुना होने के साथ ही मछली पालन क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।